हेलो एवरीवन दिस इज स्वाति योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रीन्स और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ईमेल राइटिंग नाउ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ठीक है अगर मुझे अपना मैसेज आप तक पहुंचाना है दैट इज़ लाइक आई वांट टू कम्युनिकेट विथ यू बट पहले ये चीज इतनी इजी नहीं थी आपके सामने जो है उससे तो आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते थे लेकिन सपोज डेवंध जो कि किसी दूसरे सिटी में है या आपसे काफी दूर में है या किसी दूसरी कंट्री में है तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट वाई बिकॉज तब हमारे पास इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं थी जो आज हमारे पास है बट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आज हमारे पास इंटरनेट है एंड बिकॉज ऑफ दैट हम किसी भी तरीके का मैसेज पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी किसी के साथ भी इन सेकेंड्स मिनट्स शेयर कर सकते हैं एंड बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आप मैसेजेस कर सकते हो आई मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप कर सकते हो सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकते हो एंड वन ऑफ दैट विच इज बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इज ई राइटिंग सो so, जैसे ही आप बड़े होते हो द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज यू क्रिएट योर ई मेल एंड टू अंडरस्टैंड टूडे अब ई मेल जो होता है वो शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल का ठीक है मेल क्या होता है मेल मतलब लेटर्स ओके okay, जैसे आप बोलते हो मेल बॉक्स बोलते हो जहां आपके लेटर्स होते हैं आपके कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप किसी के साथ भी पोस्ट करते हो तो मेल अगर इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है तो उसको हम कहते हैं ईमेल ठीक है अब दिस इज द वे ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड यूजिंग इंटरनेट अब द गुड पार्ट इज कि इसके साथ आप कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड में किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो अनटिल अनलेस यू हैव इंटरनेट अगर आपके पास इंटरनेट है तभी दिस विल वर्क अदरवाइज दिस विल नॉट वर्क इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन ये एक फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज आपके पास और भी डिफरेंट मोड्स हैं किसी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए

पर्पस के लिए भी लिख सकते हो और इनफॉर्मल पर्पस के लिए भी लिख सकते हो इसका मतलब क्या हुआ फॉर्मल क्या होता है हम फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स देख चुके हैं सिमिलर वे में सिमिलर जो उसका फॉर्मेट में हम ईमेल्स लिखते हैं अब आपको अगर अपने बिजनेस पर्पसेस के लिए लिखना है या अगर आपको किसी uh, मतलब यू you नो know, किसी ऑफिशियल पर्सन uh, को लिखना है किसी भी ऑफिसर को लिखना है तब आप एक बिजनेस ईमेल लिखोगे जिसे फॉर्मल ईमेल कहते हैं सिमिलरली फ्रेंड्स के साथ लिखना है फैमिली के साथ आपको कुछ मैसेज करना है कुछ कम्युनिकेट करना है तो वो इनफॉर्मल हो जाएगा नाउ दिस इज कॉस्ट इफेक्टिव सेव टाइम एंड पेपर ऑब्वियसली हम लोग पेपर सेव करने के लिए लगे हुए हैं ठीक है वाई बिकॉज इन्वायरमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट अब जब आप ई करते हो तो एक आपका टाइम नहीं लगता दूसरा इट इज कॉस्ट इफेक्टिव ठीक है इंटरनेट के लिए यू हैव टू पे बट देन यू कैन सेंड Lacks of, you know, emails. क्यों? क्योंकि आपको ई मेल डूम ऑफ जो आपका इंटरनेट है वो बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं करता सिमिलरली आप पेपर सेव करते हो इम्पॉर्टेंट योर मैसेज कैन बी ऑफ एनी लेंथ नाउ फॉर्मल लेंथ जो होती है फॉर्मल ई मेल्स की जो लेंथ होती है वो स्पेसिफिक होती है बिकॉज आप फॉर्मल लेटर्स बहुत ज्यादा लंबे नहीं लिख सकते बट वेन इट कम्स टू इनफॉर्मल ई तो जस्ट लाइक इनफॉर्मल लेटर्स ये भी काफी लंबे हो सकते हैं सिर्फ सामने वाला पढ़ने वाला होना चाहिए ठीक है द नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ ई मेल्स सो जस्ट लाइक लेटर्स वी हैव फॉर्मल ई मेल्स एंड इनफॉर्मल फॉर्मल ई मेल्स फॉर्मल ई मेल्स जो होते हैं वो बिजनेस या प्रोफेशनल पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं इनकी जो लैंग्वेज होती है वो फॉर्मल होती है क्लियर होती है और सिंपल लैंग्वेज आप यूज करते हो जो इनफॉर्मल ईमेल्स होते हैं नाउ दैट इज यूज फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन यू वांट टू कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स और फैमिली और रिलेटिव्स तो आप पर्सनल कम्युनिकेशन करते हो विच इज इनफॉर्मल ई मेल राइटिंग अफकोर्स द लैंग्वेज विल बी कैशुअल फ्रेंडली एंड इमोशनल टोन भी हो सकता है उसमें ठीक है द नेक्स्ट थिंग इज अगर आपको किसी को ईमेल भेजना है ठीक है? आपके पास एक ईमेल होना चाहिए। तो अगर मैं आपको ईमेल भेज रही तो आई एम सेंडर आप अगर मेरा ईमेल रिसीव कर रहे हो तो आप हो जाओगे रिसीवर टू सेंड और रिसीव मेल थ्रू मेल यू शुड लिए आपका एक कोई भी वेबसाइट जैसे कि आपके पास याहू डॉट कॉम हो गया गूगल डॉट कॉम हो गया डेड एफ हो गया हॉटमेल हो गया तो किसी पर्टिकुलर वेबसाइट में आपके पास एक ई मेल होना चाहिए ठीक है एक ई मेल आई डी आपका क्रिएटेड होना चाहिए उसके बाद क्रिएट योर अकाउंट और ई मेल एड्रेस ऑन एनी ऑफ द वेबसाइट तो आप किसी भी वेबसाइट जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो हाउ डू यू क्रिएट एन अकाउंट आप जैसे ही वहां पर जाओगे उसमें एक ऑप्शन होता है लॉग इन की जगह पे कि क्रिएट योर अकाउंट यू क्लिक ऑन दैट आपको अपनी नेसेसरी डिटेल्स जो है फिलअप करनी होती है एंड देन योर अकाउंट विल बी क्रिएटेड इट्स अ वेरी वेरी एक्सट्रीमली सिंपल प्रोसेस ठीक है अब जब आप अपना ईमेल क्रिएट करते हो तो आपके पास एक यूजर नेम होता है जैसे कि इफ आई राइट सो इफ आई राइट स्वाति डॉट वडलमानी एट जी मेल डॉट ठीक है नाउ सपोज दिस इज gmail.com so suppose if this is my email id so this is my username theek hai this is the website jisme maine apna email id create kiya hai ye mera kya hoga ye mera username hota hai and at the same time you have to create your password और उस password को जब आप create करते हो तो आप कभी भी किसी भी particular device से अपने email को access कर सकते हो ठीक है Now अगर आप एक email letter लिख रहे हो या आप किसी को भी एक ईमेल ड्रॉप कर रहे हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड पहली चीज देर इज नो नीड टू मैंशन अ डेट वेन प्रैक्टिसिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन वाई आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी इफ़ यू हैव एवर है ई मेल जब भी ई मेल पॉप होता है वो ऑलवेज इट शोज कि आपका कौन सी डेट को कितने बजे ई मेल आया है सो यू डोंट हैव टू डू दैट क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो ऑलरेडी उस चीज को स्पेसिफाई करता है सो so आपको डेट लिखने की जरूरत नहीं हमारे फॉर्मल लेटर में क्या होता था सबसे पहले आप एड्रेस लिखते थे ठीक है सेंडर्स एड्रेस आता था एड्रेस लिखने के बाद हम डेट लिखते थे लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये ऑलरेडी जो है इट्स अ पार्ट ऑफ दैट एंटायर ईमेल राइटिंग का स्ट्रक्चर में ही आता है वो तो वी डोंट हैव टू राइट इट पुल ऑल योर टेक्स्ट लेफ्ट लाइंड फॉलो द फॉर्मेट ऑफ फॉलो फॉर्मल लेटर राइटिंग तो जैसे हम लिखते थे ये अगर हमारा मार्जिन है सो so हम यहाँ पे अपना एड्रेस लिखते थे फिर यहाँ डेट लिखते थे फिर रिसीवर का एड्रेस लिखते थे फिर सब्जेक्ट लिखते थे एवरी थिंग वॉज लेफ्ट अलाइंड सिमिलरली वेन एवर यू आर राइटिंग एन ई मेल आपको करेंट फॉर्मल लेटर का पैटर्न फॉलो करना है यू विल नॉट राइट एनीथिंग कि यहाँ लिख रहे हैं बाकी यहाँ लिख रहे हैं इस तरीके से आप नहीं करोगे यू विल, एवरीथिंग विल बी लेफ्ट अलाइंड फॉर्मल कंप्लेन शुड बी वेल वर्डेड बट विदाउट लूजिंग द नेचर ऑफ प्रोफेशनलिज्म कीप इट ब्रीफ क्लियर एंड पोलाइट यही हमने फॉर्मल लेटर्स में भी देखा था कि जितने भी अगर मान लो आपको कोई कंप्लेन करनी है कंप्लेन करते टाइम पे भी आपको अपनी लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना है आप किस तरीके से बात कर रहे हो आप क्या कह रहे हो ये सब का आपको काफी ध्यान रखना है आपकी जो लैंग्वेज है वो फाउल लैंग्वेज आप यूज नहीं कर सकते क्यों क्योंकि दिस इज ऑल रिटर्न प्रूफ पल कैन गो अगेंस्ट यू ठीक है सो आप फाउल लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते आप अब लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते आप किसी भी तरीके से ऐसे बात नहीं कर सकते जैसे कि यू you नो know, आप uh, मतलब आप जूड होकर नहीं बात कर सकते यू हैव टू कीप यट एंड प्रोफेशनल होके बात करनी है बट इट हैजू बी ब्रीफ क्लियर और पोलाइट ठीक है नेक्स्ट इज ऑलवेज होल्ड योर टोन रिस्पेक्टफुल यही चीज जो मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो टोन है वो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए रीअश्योरिंग वन डीलिंग विद कम्प्लेन्स एंड ग्रीवेंसेस अगर आपको कोई भी इश्यू है कोई प्रॉब्लम है आपका टोन जो होना चाहिए वो बिल्कुल सही होना चाहिए ठीक है आपको कितना भी गुस्सा आ रहा है आप जब अपना लिख रहे हो ठीक है ईमेल लिख रहे हो या फॉर्मल लेटर लिख रहे हो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दैट योर लैंग्वेज हैज टू बी गुड नेक्स्ट इज दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक ओके यू हैव गॉट फ्रॉम मतलब जैसे अगर हम फॉर्मल लेटर का जो पैटर्न फॉलो करते हैं उसी तरीके से होता है सबसे पहले यू हैव गॉट योर सेंडर्स ई मेल आई डी तो जो भी इंसान आपको जैसे मैं हूँ आपको सेंड कर रही हूँ लेटर तो इफ आई एम सेंडिंग यू द लेटर आई बिकम द सेंडर एंड दिस इज लाइक सबसे पहले जो फ्रॉम आता है वो उसमें आप अपना ईमेल आईडी डालते हो तो जैसे मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगी स्वाति डॉट वडलमानी एट जी मेल डॉट कॉम ठीक है नेक्स्ट कम्स टू आप किसको भेज रहे हो वहां पे आ जाएगा रेसिपिएंट का ईमेल आईडी इसका मतलब रिसीवर जो आपका लेटर मेल रिसीव करेगा आप उसका ईमेल आईडी डाल दोगे थर्ड इज सीसी सीसी का मतलब क्या होता है ठीक है सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी इसका मतलब होता है सपोज आपने एक मेल मुझे किया आप चाहते हो कि एट द सेम टाइम मेल तो मुझे एड्रेस्ड है लेकिन एट द सेम टाइम आप चाहते हो कि वही मेल दूसरों को भी दिखे फॉर एग्जांपल आपने मुझे एक ईमेल किया ठीक है लेटर टू स्वाति मैम ओके okay, नाउ आप चाहते हो कि यही लेटर मैग्नेट ब्रेन भी देखें आपके पेरेंट्स भी देखें तो कार्बन कॉपी में आप उस चीज को मेंशन कर सकते हो नाउ सीसी में क्या होता है जो भी ईमेल आईडीज़ आपने लिखे हैं वो मुझे भी विजिबल होंगे रिमेंबर दिस थिंग ठीक है सीसी में आपने जितने भी ईमेल आईडीज आई लिखे हैं वो सेंडर को भी विजिबल होंगे रिसीवर को भी विजिबल होंगे नेक्स्ट कम्स बी BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसका मतलब जैसे आपने मुझे एक मेल किया ठीक है अब आप चाहते हो वही मेल आप किसी और को भी दिखाना चाहते हो बट मुझे जिसे आप भेज रहे हो उसे नहीं दिखाना चाहते हो कि मतलब मैंने इसको भी भेजा है फॉर एग्जाम्पल आप मेल कर रहे हो स्वाति मैम को ठीक है सपोज आप मेल कर रहे हो स्वाति मैम को तो आपने रिसीवर में स्वाति मैम का ईमेल आईडी डाल दिया लेकिन आप स्वाति मैम को ये नहीं बताना चाहते कि आपने सिमिलर एक जो मेल है यही जो सेम मेल है वो आपने एट द सेम टाइम मैग्नेट ब्रिंस की ऑफिशियल आईडी में भी डाला है तब आप बीसीसी करोगे और उसमें मैग्नेट ब्रिंस की ईमेल आईडी डाल दोगे ठीक है तब क्या होगा जो आपका मेल मुझे मिलेगा उसमें मुझे सिर्फ आपका नाम दिखेगा जिसने मुझे वो भेजा है मुझे बीसीसी के कितने लोगों को आपने वो ईमेल भेजा है वो मुझे नहीं दिखेगा ठीक है देन कम्स सब्जेक्ट ओके आप क्या लिख रहे हो आप किस बारे में लिख रहे हो उसको आप स्पेसिफाई करोगे इन फाइव टू सिक्स वर्ड देन सेल्यूटेशन सिमिलर टू फॉर्मल लेटर हम क्या करेंगे फॉर्मल या इनफॉर्मल तरीके से जैसे भी आपको सेल्यूट करना है सेल्यूटेशन का मतलब होता है ग्रीट करना डियर सर रिस्पेक्टेड सर या माई डियर इस तरीके से आप सैल्यूटेशन लिख सकते हो देन कम्स द मेन बॉडी जस्ट जैसे कि हमने लेटर्स राइटिंग में पढ़ा था दे विल बी इंट्रोडक्शन डिटेल्स एंड कंक्लूजन थ्री पैराग्राफ्स आपके होंगे क्लोजिंग जहां पे आप एंडिंग स्टेटमेंट डाल दोगे अटैचमेंट्स अब मेल में एक और चीज होती है सपोज आपने बोला कि आपसे मैंने रेफ्रिजरेटर लिखा लिया था ये बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा और इसका या तो ये मैंने आपसे एक टीवी खरीदा था ये टूटा हुआ निकला इसका रिमोट टूटा हुआ निकला है तो क्या होगा यू कैन क्लिक अ पिक्चर और आप उस फाइल को अटैच कर सकते हो तब आप ये भी मेंशन करोगे अपनी मेन बॉडी में कि मैंने आपके इस मेल के साथ कुछ पिक्चर्स अटैच किए हैं जो कि बताते हैं कि मुझे डिफेक्टिव प्रोडक्ट जो है रिसीव हुआ है तो यहाँ आप अटैचमेंट्स कर सकते हो तो नीचे अटैचमेंट के लिए देर इज़ अ दिस काइंड ऑफ एक साइन होता है ठीक है जो आपकी जो पिन होती है ना उसका एक साइन होता है द मोमेंट यू क्लिक ऑन एट आपको वो पूछता है कि आप किस तरीके से कहां से अटैच करना चाहते हो कौन सी सी ड्राइव में डी ड्राइव में ई e ड्राइव में डेस्कटॉप में उस हिसाब से आप इसको फाइल को अटैच कर देते हो एंड देन लास्ट इज योर सिग्नेचर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग दैट इज यू नो आप अपना नाम लिखोगे सिग्नेचर करोगे एंड दैट इज इट सिमिलर अभी जो हमने इमेज देखा यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है सेंडर्स ईमेल जो कि मेल मेल सीसी का मतलब हो जाता है कार्बन कॉपी विच विल बी विजिबल ठीक है विजिबल ईमेल आईडीज़ आते हैं इसमें बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी जिसमें इनविजिबल ईमेल आईडीज़ आते हैं देन सब्जेक्ट जो भी आप रीजन है जिसके लिए आप लेटर को लिख रहे हो देन सेल्यूटेशन मेन बॉडी और मेन बॉडी के बाद क्लोजिंग लाइन क्लोजिंग लाइन में क्या हो जाता है जैसे थैंक यू फॉर द कंसिडरेशन या आई होप यू विल लुक इन टू द मैटर और यू नो ऑफ लव एंड लास्ट इज इफ यू हैव एनी अटैचमेंट दो आप इसको आप अटैच कर सकते हो एंड सिग्नेचर एंड लाइक नेम एंड योर कॉन्टेक्ट डिटेल्स विध रिगार्डसेंटली जो हमारा कॉम्पलीमेंटरी क्लोज होता है वो यहाँ पे आ जाएगा ठीक है अब हम कुछ सैम्पल्स देखेंगे इनफॉर्मल ई मेल राइटिंग के पहला हम इनफॉर्मल करेंगे बाद में हम फॉर्मल करेंगे एन ई मेल एड्रेस टू एनी फ्रेंड फैमिली में रिलेटिव ये जो है इनफॉर्मल इन्विटेशन टू अ बर्थडे पार्टी इन द मेल टू योर फ्रेंड्स ओके दे ना सपोज आपको एक बर्थडे इन्विटेशन ई मेल लिखना है अ वेरी शॉर्ट बर्थ डे इन्विटेशन ई मेल तो आप किस तरीके से लिखोगे ओके okay? सबसे पहले टू जो आपको जहां पे जिसको भेज रहे हो उसका ईमेल आईडी लिखना होता है तो सपोज आप मुझे भेज रहे हो तो आप यहाँ लिख दोगे स्वाति डॉट वानी एट जी डॉट कॉम ठीक है तो ये आपने मुझे क्या लिख दिया आपने मुझे मेरा एड्रेस लिख दिया अब आपको अगर किसी और को यही जो आ, मेल है वो भेजना है तो आप सीसी करोगे या बीसीसी करोगे दैट इज इफ यू वांट इफ यू डू नॉट वांट टू सेंड इट टू एनीवन देन इट इट्स ओके ठीक है ओनली इफ यू वांट आप ये डाल सकते हो देन कम सब्जेक्ट सब्जेक्ट में आपने क्या लिख दिया इन्विटेशन टू अ बर्थडे पार्टी अब आप यहाँ पे हाई लिखा है हाई की जगह डियर मैम भी लिख सकते हो ठीक है या आप रिस्पेक्टेड मैम भी लिख सकते हो लेकिन क्योंकि ये एक इनफॉर्मल लेटर है तो सपोज आई एम योर फ्रेंड तो आपको डियर मैम की जरूरत नहीं होगी डियर स्वाति यू कैन जस्ट राइट डियर स्वाति ठीक है नाउ लेट्स सी द लेटर I hope this mail finds you in good health and spirits, just the way we used to start in informal letter. I am very happy to invite you to my birthday party on Jan 3 at XYZ Hotel from 7 o'clock to 10 pm. The theme of the birthday party is Cinderella. Okay? इट वुड बी एक्सेलेंट इफ यू कम एंड जॉइन एट दार्टी बहुत अच्छा होगा अगर आप आके ज्वाइन करोगे वी विल हैव अ ग्रेट टाइम एंड फंड टूगेदर सी यू सोन एंड ओनली योर नेम दैट इज इट सो रिमेंबर दिस थिंग जैसा हम फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर लिखते थे सेम तरीके से आपको ई मेल लिखना है दी ओनली डिफरेंस इज दिस पार्ट प्लेस एवरीथिंग रिमेन्स द सेम ओके राइटिंग अ लेटर टू इन्फॉर्म योर क्लासमेट्स रिगार्डिंग द इंटर कॉलेज क्वेज कॉम्पिटिशन तो अब यहाँ पे क्या है आपको एक लेटर लिखना है या आप इसको मेल भी कह सकते हो ठीक है ई मेल सो आपको एक ईमेल लिखना है टू इन्फॉर्म आप योर क्लासमेट्स आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं उनको इन्फॉर्म करना है रिगार्डिंग द इंटर कॉलेज क्वेज कॉम्पिटिशन ठीक है अब यहां पर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अब आप अपने क्लास मेट्स को कर रहे हो तो एक साथ हम बहुत सारी ईमेल आईडीज भी इंक्लूड कर सकते हैं सपोज आपको अपने 15 क्लासमेट्स को बोलना है तो अब आप यहाँ पे 15 ईमेल आईडीज लिख सकते हो ठीक है यू जस्ट हैव टू पुट अ सेमी कॉलन और सेमी कॉलन के बाद आप अपनी नेक्स्ट ई लिख सकते हो अगर आपको मान लो अपने टीचर को सीसी करना है तो आप कर सकते हो अपने स्कूल को सीसी करना है तो कर सकते हो इफ़ यू वांट टू पुट एनीवन इन बीसीसी देन इट्स ओके इफ यू डू नॉट वांट टू डू दैट देन आल्सो इट्स ओके अब हम आ जाते हैं सब्जेक्ट में तो सब्जेक्ट क्या हो गया इंटर कॉलेज क्विज कॉम्पिटिशन अब आपने लिखा हेलो एवरी वन आपने इसलिए लिखा एवरी वन बिकॉज देर आर लॉस ऑफ पीपल दिस इज टू नोटिफाई यू All that and in this is to notify you all that an intra-college quiz competition is going to be conducted in our college on January 25 from 11 a.m. in auditorium one. So, you have told when it is, where it is, and Everyone is therefore invited to take part in the competition so that our department can win. तो अब यहाँ पे क्या है इंट्रा कॉलेज है मतलब कॉलेज के अंदर जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनमें ही कंपटीशन हो रहा है तो ये जो क्विज कंपटीशन है उसने क्या बोला कि सब लोगों को ट्वेंटी को कॉम्पिटिशन है ग्यारह बजे से है और फर्स्ट ऑडिटोरियम नंबर वन में है तो उन्होंने बोला जितने भी लोग हैं जो इनवाइटेड है मतलब सब लोग इनवाइटेड हैं और आप लोग आ जाना बिकॉज़ वी वांट आवर डिपार्टमेंट टू विन तो आप सब लोग आ जाना सो दैट वी कैन पार्टिसिपेट इन द बेस्ट पॉसिबल वे एंड वी कैन विन दैट इज इट देन आफ्टर दिस यू विल से फॉर फर्दर इंक्वायरीज फील फ्री टू कांटेक्ट मी आप अब आप, आप क्योंकि एक इनफॉर्मल तरीके से लिख रहे तो आपने क्या बोला कोई भी अगर क्वेरी है तो तुम तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो इसी तरीके से आप लिख सकते हो यू कैन अंडर साइंड यहां पे आप अपना नाम लिखोगे और आपने लिख दिया क्लास रिप्रेजेंटेटिव मतलब आप क्लास के मॉनिटर हो सी आर हो आप क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो और दैट्स इट सो अगर आपको फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर आता है सो ई मेल राइटिंग इज नथिंग इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर यू ठीक है नेक्स्ट इज अनदर ईमेल सी राइट एन ई मेल टू योर कजिन एडवाइजिंग हिम हाउ टू यूज द इंटरनेट यू कैन यूज दिन बिलो अब दिस इज अनदर वे जिसमें आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है यहाँ आपको बोला है कि आपको अपने कजन को एक ई मेल लिखना है कजन को लिखना है तो ऑब्वियसली द लैंग्वेज विल भी इनफॉर्मल ठीक है अब ये एक इनफॉर्मल ई मेल है और आपको यहाँ पे हिंस दिए हैं कि किन किन तरीके की बातें आपको करनी है लेट्स परमिशन फ्रॉम पेरेंट्स बिफोर यूजिंग द इंटरनेट ये एक पॉइंट हो गया जो आपको यूज करना है नेवर मीट पीपल इन रियल लाइफ तो अगर आप ऑनलाइन किसी से मिल रहे हो तो रियल लाइफ में उससे मत मिलो मे नॉट बी एज दे क्लेम मतलब जो वो लोग बोल रहे हैं कि जैसे वो लोग हो सकता है वो वैसे नहीं हो आस्क पेरेंट्स बिफोर फिलिंग एनी फॉर्म्स अगर ऑनलाइन आप किसी भी तरीके का फॉर्म फिल कर रहे हो मेक श्योर sure आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो Never give out credit card details. Don't open a mail from an unknown source. कभी भी अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल्स किसी को मत दो Also कोई unknown source है जैसे आप अपने लैपटॉप से अपने फोन से अपना ई मेल ओपन कर दो. लेकिन कोई अनोन सोर्स है वहां से अपना ई मेल ओपन मत करो बिकॉज देर आर पीपल जो आपका पासवर्ड हैक कर लेते हैं नेवर पोस्ट फोटो ऑनलाइन आजकल तो खैर हर जगह जो है आप सोशल मीडिया में देखोगे एवरीबडी इज़ पोस्टिंग पिक्चर्स लेकिन वो पिक्चर्स जो है वो मिसयूज की जा सकती हैं उनको जो है आप किसी भी तरीके से फोटोशॉप करके आप उसको बहुत गलत तरीके से यूज कर सकते हो कीप योर पासवर्ड अ सीक्रेट अपना जो पासवर्ड है उसे सीक्रेट रखना है अब इन सारे पॉइंट्स को यूज करते हुए आपको अपनी काजन को एक एडवाइस ईमेल लिखना है ठीक है सो लेट्स हाउ यू विल राइट सबसे पहले अब यहाँ पे डेट जो है ये ऑटोमेटिकली आ जाती है सो यू डोंट है यू विल राइट सबसे पहले आ जाएगा फॉर्म तो आप अपना ईमेल आईडी लिखोगे तो यहाँ पूरा ईमेल आईडी आना चाहिए शंकर एट लेट से जी मेल डॉट कॉम जी मेल डॉट कॉम अब है सब्जेक्ट आपने लिखा अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये हमने जस्ट फॉर्मल लेटर के वे में लिख दिया है अदरवाइज पहले तो आपको यहाँ पे टू पहले आएगा मतलब पहले फ्रॉम आ गया जिसने सेंडर्स एड्रेस जो होता है फिर आ जाएगा टू जिसको आप भेज रहे हो तो किशु जो है वो उसके कजन का नाम है फिर आएगा आपके पास यहाँ पे डेट सब्जेक्ट सॉरी नॉट डेट सब्जेक्ट तो जो सब्जेक्ट है ये ऊपर आएगा और टू जो है सब्जेक्ट नीचे आएगा टू ऊपर चला जाएगा ठीक है तो आपने लिख दिया सब्जेक्ट क्या है यूजिंग इंटरनेट और आप लिख सकते हो यूजिंग इंटरनेट आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग इंटरनेट ठीक है अब आपने लिखा डियर किशु आई हैव योर लव फॉर इंटरनेट मे बी मम्मी ने बताया होगा रे वो तो पूरे टाइम लैपटॉप के सामने मोबाइल के सामने रहता है तो उसने क्या लिखा आई हैर्ड अबाउट यूर लव फॉर इंटरनेट में जो तुम्हारी तुम इंटरनेट को इतना प्यार करते हो वो मैं सुन चुका हूँ आई अग्री दैट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल सोर्स ऑफ इंक्रीजिंग आर नॉलेज मैं ये मानता हूँ कि इंटरनेट एक बहुत ही यूजफुल सोर्स है अपने नॉलेज को बढ़ाने का हाउ एव आई एम अफ्रेड लेकिन मैं डरा हुआ हूं वी द students ट्रीट इट मोस्टली फॉर फन एंड एंटरटेनमेंट हम जो स्टूडेंट्स लोग होते हैं वो इंटरनेट को मेजरली फन और एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं नॉट ओनली दिस वी यूज इट फॉर गिविंग ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट ourselves। अगर आप सोशल मीडिया की बात करो ठीक है फेसबुक हो गया इंस्टाग्राम हो गया स्नैपचैट हो गया आप अपने बारे में सब कुछ बता देते हो आज की डेट में अगर आप वेकेशन पे जाते हो तो आप बड़े बड़े अक्षरों में लिख के जाते हो ये आई एम गोइंग हियर या आई एम गोइंग देयर देयर आर पीपल वो चाय भी पीते हैं तो वो एक पोस्ट डालते हैं कि यू नो ड्रिंकिंग टी एंजॉइंग टी तो आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है रिवील कर दे रहे हो वेन वी डू सो जब हम ऐसा करते हैं वी आर इनवाइटिंग ट्रबल आपको नहीं पता लेकिन जब आप अपना पूरा इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो आप ट्रबल इनवाइट कर रहे हो आई वुड सजेस्ट यू दैट इट शुड बी यूज वेरी केयरफुली अब मैं तुम्हें सजेस्ट करना चाहता हूं कि दो इंटरनेट जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जरिया है टू फाइंड आउट इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल आपको अगर अपने एजुकेशन uh, से रिलेटेड कोई भी कोई डाउट है तो आप गूगल कर सकते हो यू विल फाइंड एवरी ऑनलाइन अगर आपको किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो आप कर सकते हो बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हाउ नाउ अब वो क्या सजेस्ट कर रहा है पॉइंट हाउ टू यूज इट केयरफुली मेक इट अ पॉइंट नेवर टू यूज द इंटरनेट विदाउट इन्फॉर्मिंग योर पेरेंट्स अबाउट वॉट यू इंटेंड टू डू तो जब भी आप इंटरनेट यूज कर रहे हो तो मेक इट अ पॉइंट मतलब इस चीज का ध्यान रखो कि हमेशा अपने पेरेंट्स को बताओ कि मैं इंटरनेट यूज कर रहा हूँ और इस चीज के लिए यूज कर रहा हूँ सेकेंड इट इज वेरी लाइकली दैट यू डेवलप सम सॉर्ट ऑफ इंटीमेसि विद सम पीपल वाइल टॉकिंग टू देम ऑन द इंटरनेट अब इंटरनेट में क्या होता है आप बहुत सारे लोगों से चैट करते हो ठीक है आपके फेसबुक पे थाउजेंड अब फ्रेंड्स होंगे लेकिन रियल लाइफ में कितने फ्रेंड्स होते हैं दो दे काउंट क्या होता है आप ऑनलाइन जब लोगों से बात करते हो आपको कभी कभी लोग अच्छे लगने लग जाते हैं और आप उनसे मतलब आप लिटरली उनके साथ एक बॉन्ड फॉर्म कर लेते हो इन, आपका एक कनेक्शन फॉर्म हो जाता है ठीक है यहां पे लिखा है डू नॉट एक्सेप्ट देयर इनविटेशन टू मीट यू इन पर्सन अ पर्सन हु इज टॉकिंग टू यू ऑनलाइन भले वो बोल रहा है कि मैं जो हूँ मैं एक लड़की हूँ उसने एक बहुत ब्यूटीफुल सी डीपी लगाई है यू हैव नो आइडिया एक्चुअली मैं आपसे कौन बात कर रहा है लोग अपनी आइडेंटिटी जो है उसको फेक आइडेंटिटी यूज करते हैं वो आपसे बात करेंगे मे बी वो आपको किसी भी तरीके से मिसयूज करना चाहेंगे आपकी चीज़ों को मिसयूज करना चाहेंगे आपकी इंफॉर्मेशन को मिस यूज करना चाहेंगे सिमिलरली वन यू मीट दे आस्क यू चलो लेट्स मीट यू नो लेट्स मीट आउट एंड ऑल यू हैव नो आइडिया होम यू आर गोइंग टू मीट और वॉट ट्रबल यू कैन इन्वाइट फॉर योर सेल्फ सो डो नॉट मीट जो भी आप ऑनलाइन किसी से बात कर रहे हो स्पेशली यू कैन नेवर गो एंड मीट देम अलोन पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक योर पासवर्ड और योर बैंक अकाउंट नंबर आर नॉट द थिंग्स ऑफ पब्लिक यूज आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है आपका डेबिट कार्ड नंबर है या आपका पासवर्ड है आप कभी किसी के साथ यूज नहीं करोगे शेयर नहीं करोगे नेवर देम इन्हें कभी भी डिस्क्लोज़ मत करना होप यू वुड टेक दिस इंटू कंसिडरेशन होप मैंने तुम्हें जो जो बातें बताई है तुम उसको समझोगे समझने की कोशिश करोगे विथ रिगार्ड्स योर सिंसेरली शंकर ठीक है तो विथ रिगार्ड्स मतलब अ लॉट ऑफ रिगार्ड्स टू यू बहुत सारा प्यार योर सिंसियरली शंकर अब यहाँ पेली की जगह आप लविंगली भी लिख सकते थे क्योंकि ये एक इनफॉर्मल लेटर है ठीक है और यू कुड हैव योर भैया शंकर सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट अब ये क्या है दिस इज नथिंग बट अ फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर ओनली थिंग इज आपने इसको ई मेल पैटर्न में लिखा है अब एक क्लियर विद दिस अब हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे ठीक है है पे क्या है? राइट एन ईमेल टू तो योर फ्रेंड गिविंग हिम टेलिंग हिम हाउ टू फाइट ग्लोबल वार्मिंग अब यहाँ पे ये भी एक तरीके से क्या है एक इनफॉर्मल लेटर है जैसे हमने लेटर्स टू द एडिटर पढ़े थे उसी तरीके से ये भी एक है तो यहाँ पे आपको हिंट्स दिए हुए हैं जैसे रिप्लेस बल्ब विथ सी एफ एल सी एफ एल से बल्ब को जो है रिप्लेस कर दो चूज एनर्जी एफिशियंट अपलायसेस ऐसे अप्लायसेज यूज करो जो कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं यूज वॉशिंग मशीन डिश वॉश ओनली वेन अ लार्ज क्वानिटी अब ऐसे बहुत सारे घरों में क्या होता है, जो washing machine होती है ना यहाँ पे दिस या yeah. जो वॉशिंग मशीन होती है पांच छह कपड़े आपने वॉशिंग मशीन लगा दी अब वो जो पूरा फोर्टी फाइव मिनट या वन आवर जो वो चल रही है उतना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है तो टिल द टाइम आपके पास अच्छे खास कपड़े इकट्ठे हो जाए तब तक आप वॉशिंग मशीन यूज यूज मत करो सिमिलरली डिश वॉशर भी यूज मत करो देन प्लांट ट्रीज यू शुड प्लांट अ लॉट ऑफ ट्रीज यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप अगर अपना जो है आप इंडिविजुअल कार में जब जाते हो पोल्यूशन बढ़ता है पेट्रोल बढ़ता है आप अपनी जो भी आपके पास सोर्सेस है उन्हें आप कंज्यूम कर दो तो यहाँ पे हम जब ग्लोबल वार्मिंग की बात करें जब इतनी सारी व्हीकल्स एक साथ चलती है तो क्या होता है जो गैसेस हार्मफुल गैसेस जो है स्मोक डस्ट जो वो एमिट कर रही है उसमें जो क्लोरो कार्बन होता है वो आपकी ग्लोबल वार्मिंग को मतलब आपका जो है टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है विच इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग उसके बाद है बाय फ्रेश फूड क्यों क्योंकि आप जो हो अगर पुराना खाना खाओगे इट्स नॉट हेल्दी फॉर यू तो फ्रेश फूड होगा अब आप जो पैकेज फूड्स होते हैं ये सब यूज मत करो देन यूज पेपर और क्लोथ बैग्स अगर आप प्लास्टिक यूज नहीं करोगे तो क्या होगा प्लास्टिक बनेगा नहीं और जब प्लास्टिक बनता है तो वो जो स्मोक एमिट करता है इट इज अइट मैन ठीक है सो ये सारे पॉइंट्स को अब हम यूज करते हुए एक ईमेल लिखेंगे जहां पे एज ऑलवेज आई टोल्ड यू टू ऊपर आएगा सब्जेक्ट नीचे आएगा ठीक है नाउ फ्रॉम रोशनी एट जी मेल डॉट कॉम आपने लिख दिया किसको भेज रहे हो ऋषि एट जी मेल डॉट कॉम सब्जेक्ट क्या है हाउ टू फाइट ग्लोबल वार्मिंग आपने लिखा डियर ऋषि इन योर मेल I found you very anxious about the problem of global warming. अब क्योंकि तुम किसी को global warming के बारे में लख, लिख रहे हो अचानक से तो आप ज्ञान देना start नहीं कर दोगे कोई connection तो बिठाना पड़ेगा तो आपने क्या लिखा कि तुमने जो मुझे last mail लिखा था उसमें तुम बहुत परेशान लग रहे थे global warming के लिए I have some ideas about how to fight it. मेरे पास कुछ आइडियाज हैं कि किस तरीके से हम इंडिविजुअली ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग मीन्स द वॉर्मिंग ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर तो उसने सबसे पहले बताया ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है इट्स द वार्मिंग ऑफ द अर्थ एंड अर्थ एटमोस्फेयर तो अर्थ का जो पूरा एटमोस्फेयर है वो दिन पदिन बढ़ता जा रहा है गर्म होता जा रहा है मतलब अब हमें इंडिविजुअली हर किसी को स्टेप्स लेने चाहिए ताकि आप ग्लोबल वार्मिंग को रोक सको क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ता जिस तरीके से जा रहा है दे वी एनी लाइफ ऑन अर्थ लेफ्ट अगर टेम्परेचर एक लिमिट से ज्यादा बढ़ गया ठीक है फर्स्ट अब वो बता रहा है जितने भी पॉइंट्स हैं फर्स्ट We must at once replace our electric bulbs with CFL. उसने क्या बोला कि सबसे पहले जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, उसको हमें सी एफ एल से रिप्लेस कर देना चाहिए बिकॉज क्योंकि जो लेटर है लेटर मतलब हम बात कर रहे हैं सी एफ एल की ये फॉर्मर ये लेटर लेटर मतलब जो दूसरे वाले की बात कर रहे हैं वो कम हीट एमिट करता है जो सी एफ एल जो होते हैं ना जो सी एफ एल वाले बल्ब होते हैं लाइट्स होती हैं उनमें देखना कभी भी एकदम गर्मी नहीं निकलती वो हीट कम एमिट करते हैं वी मस्ट यूज ओनली एनर्जी efficient appliances लाइक प्रेशर कुकर while कुकिंग हमको एनर्जी जो एनर्जी एफिशिएंट अप्लायसेस यूज करना चाहिए जब आप कोयला यूज करते हो या जब आप सिगड़ी यूज करते हो तो क्या होता है उसमें से अगेन बहुत सारा हीट और स्मोक निकलता है बट दैट भरे हुए क्यों क्योंकि टाइम तो इतना ही लगेगा चाहे दो कपड़े धो या दस कपड़े धो तो आप मेक श्योर की आपकी वॉशिंग मशीन में एकदम इनफ कपड़े हैं ताकि वो जो चल रही है, इतना टाइम वो यूज करिए वो प्रॉपर हो सुटेबल हो वी शुड प्लांट एज मेनी ट्रीज एज पॉसिबल अब ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं वो है आप पेड़ लगाओ जितने ज्यादा पेड़ लगाओगे क्योंकि अगर पेड़ हैं तो वो एक तरीके से फिल्ट्रेशन का काम करते हैं आपकी पूरी जो एटमॉस्फेयर उसको फिल्टर कर देते हैं स्मोक फ्रॉम वहीकलिंग को बढ़ा रहा है प्राइवेट व्हीकल्स अवॉइड करने चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज द बेस्ट वे आउट अब यहां पर अंडरस्टैंड दिस थिंग ठीक है अपार्ट फ्रॉम दिस इंटायर ग्रामर कोस कोई भी चेंज जो है वो एकदम से आप एक साथ सबको नहीं बोल सकते हो मे बी इंडिविजुअली अगर हर कोई चेंज होगा तो ये हो सकता है अब आप यहां पे क्या लिख सकते हो एक लाइन एड कर सकते हो आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज यू नो दिस इंफॉर्मेशन इज और आप ये भी आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर यू यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड देन यू विल राइट रिगार्ड्स योर सिंसेरली रोशनी अब सिंसेरली की जगह अगेन यू कैन राइट लविंगली एज वेल क्लियर आर वी क्लियर विद दिस सो दैट इज इट तो ई मेल राइटिंग इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम लेटर राइटिंग ओनली थिंग इज ई मेल फॉर्मैट में हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मैट में हो जाता है अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज नो डिफरेंस सो गाइज वी आर डन विद ई मेल राइटिंग का इंटायर कॉन्सेप्ट हि आई होप यू फाउंड इट यूजफुल मेक श्योर जब भी आप ई मेल लिख रहे हो फॉलो द फॉर्मैट ऑफ लेटर राइटिंग ठीक है जो भी करेंट फॉर्मैट चल रहा है उसी को फॉलो करो सब्जेक्ट मेंशन करो सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए जो आप पॉइंट लिख रहे हो जो भी लेटर लिख रहे हो उससे रिलेटेड होना चाहिए ठीक है एंड इफ इट इज इंपॉर्टेंट यू कैन ऑलवेज पुट एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो रेड एक्सक्लेमेशन मार्क्स होते हैं अगर आपने इंपॉर्टेंट लिखा और एक्सक्लेमेशन मार्क लिख दिया इसका मतलब होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद इट अगर आप इंटरनेट में जाओगे लोड्स ऑफ थिंग्स जैसे आप स्टार कर सकते हो आप रिप्लाई यू नो मांग सकते हो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बट ये हमने पढ़ा बेसिक ऑफ लेटर राइटिंग तो अगर आपके स्कूल में आपको क्वेश्चन आता है तो दिस इज द फॉर्मेट दैट यू हैव टू फॉलो एंड इफ इन केस यू आर नॉट एबल टू फाइंड द वीडियोज यूट्यूब पे देन प्लीज गो टू मैग्नेट डॉट कॉम वहां पे जब आप जाओगे सो so एक ऑप्शन है कोर्सेस का यू क्लिक आपको सारे कोर्सेस मिल जाएंगे जिस भी क्लास में आपको जाना है जिस भी कोर्स में आपको जाना है जस्ट क्लिक क्लास ट्वेल्व से लेके क्लास वन तक सारी क्लासेस आपको विजिबल जाएंगी देन यू कैन क्लिक जैसे आपने क्लास फोर को क्लिक किया तो आपके पास जिन जिन टीचर्स ने पढ़ाया है वो सारे ऑप्शन आ जाएंगे क्लिक देअर ऑन वॉच नाउ अ लिस्ट विल अपेयर राइट इन फ्रंट ऑफ यू विद ऑल द टॉपिक्स दैट द टीचर हैज ऑलरेडी टॉट यू कैन क्लिक ऑन वॉच नाउ एंड दैट इज इट यू कैन स्टार्ट वॉचिंग योर वीडियो ठीक है इससे क्या होगा नाउ यू विल नॉट हैव टू गो ऑन यूट्यूब एंड कीप ऑन लुकिंग की यार मैम का वीडियो कहाँ है सो आई होप दैट हेल्प्स ठीक है थैंक यू सो मच आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय